चलो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स हम किस सिस्टम में मेजर करते हैं बेटा, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर एंगल्स जो होते हैं बेटा वो मेजर करते हैं हम तीन सिस्टम्स में। पहला जो सिस्टम होता है बेटा उसे हम कहते हैं डिग्री सिस्टम, जो दूसरा सिस्टम होता है बेटा उसे हम कहते हैं रेडियन सिस्टम, और एक सिस्टम है बेटा जिसे हम कहते हैं ग्रेडियन सिस्टम। लेकिन बेटा आजकल ग्रेडियन सिस्टम हम यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ग्रेडियन सिस्टम जो है बेटा वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बेटा दो ही सिस्टम्स हैं, वो है डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम। अब हमें पढ़ना है कि व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज रेडियन। उसके लिए बेटा मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया हुआ है विथ सेंटर ओ, एंड दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल ना। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूं। आई एम डिवाइडिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन द एंगल मेड बाय ईच पार्ट, एंगल मेड बाय ईच पार्ट, ये जो पार्ट्स है बेटा हर एक पार्ट ने सेंटर से जो किया हुआ एंगल है बेटा उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ 1 डिग्री, एंगल ऑफ व्हाट, 1 डिग्री, और इसे डिनोट करते हैं हम 1:0 से। ठीक है, फिर से बता रहा हूं बेटा, व्हाट वी हैव डन हियर इज कि जो सर्कमफेरेंस है बेटा उसे हमने डिवाइड किया 360 इक्वल पार्ट्स में, देन द एंगल मेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, हर एक पार्ट ने बेटा जो सेंटर से किया हुआ एंगल है वो होता है एंगल ऑफ 1 डिग्री, और उसे हम डिनोट करते हैं 1:0 से। सो टेल मी, फॉर वन सर्कल, फॉर वन कंप्लीट सर्कल मुझे कितने डिग्रीज मिल जाएंगे, क्या मुझे 360 डिग्रीज मिल जाएंगे? यस, ठीक है। देखो अगर मैंने यहां पर ले लिया पॉइंट ए, यहां पर ले लिया बेटा मैंने पॉइंट बी, तो ये जो एंगल है बेटा एंगल ए ओ बी ये बन गया आपका एंगल ऑफ 1 डिग्री। तो इसे कैसे डिफाइन करोगे बेटा, देखो व्हेन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन द एंगल मेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एंगल ऑफ 1 डिग्री। ऐसे बेटा हम एंगल ऑफ 1 डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, एंड एंगल ऑफ 1 डिग्री इज डिनोटेड बाय 1:0, 1:0 बेटा 0। ठीक है, अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो पार्ट है इस पार्ट को मैं एनलार्ज कर रहा हूं। देखो यहां पर ये आपका बेटा सेंटर ओ है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है, और ये है आर्क ए बी। ये क्या है बेटा, आर्क ए बी, और ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी ये एंगल है बेटा एंगल ऑफ 1 डिग्री। कितना है, एंगल ऑफ 1 डिग्री। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि ये जो आर्क ए बी है बेटा इसे मैं डिवाइड कर रहा हूं 60 इक्वल पार्ट्स में। कितने बेटा, 60 इक्वल पार्ट्स में, आर्क ए बी को मैं डिवाइड कर रहा हूं 60 इक्वल पार्ट्स में। देन द एंगल मेड बाय ईच पार्ट, एंगल मेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ 1 मिनट। ये जो एंगल है बेटा ये है आपका एंगल ऑफ 1 मिनट, और एंगल ऑफ 1 मिनट को बेटा हम डिनोट करते हैं 1 डैश से। किससे बेटा, डैश से, ठीक है। तो ये है बेटा एंगल ऑफ 1 मिनट, और ये जो टोटल एंगल है बेटा ये है एंगल ऑफ 1 डिग्री। सो टेल मी, 1 डिग्री में बेटा कितने मिनट्स होने चाहिए, क्या 1 डिग्री में 60 मिनट्स होने चाहिए? यस, बिकॉज मैंने क्या किया था बेटा, इस आर्क ए बी को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंड एंगल मेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या था, एंगल ऑफ 1 मिनट था। तो 1 डिग्री में बेटा कितने मिनट्स आने चाहिए, वो आने चाहिए बेटा 60 मिनट्स, ठीक है, ओके। अगर ये पॉइंट मैं ले लेता हूं बेटा सी, तो ये जो एंगल है एंगल ए ओ सी ये है आपका एंगल ऑफ 1 मिनट, एंगल ऑफ 1 मिनट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो इतना पार्ट है इसे मैं एनलार्ज कर रहा हूं। देखो यहां पर ये आपका पॉइंट ओ है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बेटा पॉइंट सी है, इतना जो पार्ट है इसे मैंने एनलार्ज कर दिया, और ये जो एंगल है बेटा एंगल ए ओ सी
ये है आपका एंगल ऑफ 1 मिनट, एंगल ऑफ 1 मिनट दैट इज 1 डैश, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो आर्क एसी है बेटा, इसे मैं फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कितने बेटा? 60 इक्वल पार्ट्स। देन द एंगल मेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल मेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ 1 सेकेंड, एंगल ऑफ 1 सेकेंड। और एंगल ऑफ 1 सेकेंड को बेटा हम डिनोट करेंगे 1 रेस्ट टू डबल डैश से, या तो फिर 1 डबल डैश से, ठीक है। सिंगल डैश क्या होता है? मिनट होता है। डबल डैश क्या होता है बेटा? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। नाउ टेल मी, ये जो एंगल है यहां से यहां तक, ये है एंगल ऑफ 1 मिनट, और ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ 1 सेकेंड। सो टेल मी, 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होने चाहिए? क्या वहां पर 60 सेकेंड्स होने चाहिए? देखो बेटा, यहां पर ये जो आर्क एसी था ना, इसे मैंने डिवाइड किया था 60 इक्वल पार्ट्स में, एंड द एंगल मेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हमने क्या बोला था? एंगल ऑफ 1 सेकेंड बोला था। तो 1 मिनट के अंदर बेटा कितने सेकेंड्स होने चाहिए? ऐसे बेटा 60 सेकेंड्स होने चाहिए 1 मिनट के अंदर। सो टेल मी, 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स है बेटा? 60 मिनट्स। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स है? 60 सेकेंड्स आर देयर। सो टेल मी, 1 डिग्री के अंदर कितने सेकेंड्स आएंगे? क्या 3600 सेकेंड्स आएंगे? यस, देयर विल बी 3600 सेकेंड्स इन 1 डिग्री। इन व्हाट? 1 डिग्री। तो बेटा आपको डिग्री मींस व्हाट ये समझ में आ गया, मिनट मींस व्हाट ये समझ में आ गया, एंड सेकेंड मींस व्हाट ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बेटा हम देखेंगे इनके कन्वर्जेंस। क्या देखेंगे बेटा? इनके कन्वर्जेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बेटा वो है आपका कन्वर्जेंस। क्या है? कन्वर्जेंस। टेल मी, 1 डिग्री के अंदर बेटा कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री के अंदर बेटा कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। व्हाट डज इट मींस? इट मींस दैट अगर डिग्री वाले एंगल को मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री वाले एंगल को बेटा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तब जाके डिग्री वाला एंगल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, ठीक है। टेल मी, 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं? क्या 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट के अंदर? यस, ठीक है। इट मीन्स दैट कि मिनट वाले एंगल को अगर मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो मिनट वाले एंगल को बेटा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। किससे बेटा? 60 से। वो जो एंगल है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम मिनट्स टू सेकेंड्स, ठीक है। टेल मी, 1 डिग्री के अंदर बेटा कितने सेकेंड्स होते हैं? क्या वहां पर 3600 सेकेंड्स होते हैं? यस। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट डिग्री वाले एंगल को आपको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो डिग्री वाले एंगल को बेटा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से। किससे बेटा? 3600 से, ठीक है। तो देखो, डिग्री वाले एंगल को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से, मिनट वाले एंगल को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से, डिग्री वाले एंगल को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा 3600 से। इट मीन दैट जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं बेटा, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकेंड जा रहे हैं, डिग्री टू सेकेंड जा रहे हैं, इट मीन दैट हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं बेटा, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मुझे यहां पर 1 मिनट चाहिए, तो मुझे बेटा दोनों साइड को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे बेटा 60 से। सो टेल मी, इस RHS को अगर मैं 60 से करता हूं, तो यहां पर मुझे मिलेगा 1 मिनट इज इक्वल टू, अगर इसे मैं 60 से डिवाइड करता हूं, तो यहां पर आ जाएगा 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। ये आपको क्या कहना चाहता है बेटा? ये कहना चाहता है कि अगर आपको मिनट वाले एंगल को कन्वर्ट करना है डिग्री में, इसमें बेटा डिग्री में, तो मिनट वाले एंगल को बेटा आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। जब आप मिनट वाले एंगल को 60 से डिवाइड करोगे, वो बेटा मिनट में से कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। किसमें बेटा? डिग्री में, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से अगर मुझे यहां पर 1 सेकेंड चाहिए,
तो मुझे बेटा दोनों साइड को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से ना। सो टेल मी, अगर मैं RHS को डिवाइड करता हूँ 60 से, तो क्या यहाँ पर 1 सेकेंड आ जाएगा? इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 60 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1/60 मिनट। क्या आएगा? 1/60 मिनट। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट अगर आपको सेकेंड वाले एंगल को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, सेकेंड्स वाले एंगल को आपको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो सेकेंड्स वाले एंगल को बेटा आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। किससे बेटा? 60 से। इट मीन्स दैट अगर आप सेकेंड वाले एंगल को 60 से डिवाइड करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम सेकेंड टू मिनट्स, फ्रॉम सेकेंड्स टू मिनट्स। अंडरस्टूड? ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर मुझे चाहिए 1 सेकेंड, तो मुझे बेटा दोनों साइड्स को डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। किससे बेटा? 3600 से। तो अगर मैं RHS को 3600 से डिवाइड करता हूं तो क्या यहां पर बेटा 1 सेकेंड आ जाएगा? यस। और अगर मैं LHS को 3600 से डिवाइड करता हूं तो क्या यहां पर 1/3600 डिग्री आ जाएगा? यस। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट कि अगर आपको सेकेंड वाले एंगल को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, किसमें बेटा? डिग्रीज में, तो आपको सेकेंड वाले एंगल को डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। किससे बेटा? 3600 से। वो जो एंगल है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड्स टू डिग्रीज, सेकेंड्स टू व्हाट? डिग्रीज। अंडरस्टूड? ठीक है। व्हाट डज इट मीन्स बेटा? जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं बेटा, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सेकेंड टू मिनट जा रहे हैं, मिनट टू डिग्री जा रहे हैं, सेकेंड्स टू डिग्री जा रहे हैं बेटा, तब हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? डिवाइड कर रहे हैं। जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब हम डिवाइड कर रहे हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तब क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई। फिर से बता रहा हूं बेटा, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आइदर बाई 60 और बाय 3600, और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं बेटा तब हम डिवाइड करते हैं, आइदर बाई 60 और बाय 3600। ये कन्वर्जन बेटा आपको समझ में आ गया? डिग्री मीन्स वॉट ये आपको समझ में आ गया? मिनट मीन्स वॉट ये आपको समझ में आ गया? सेकेंड्स मीन्स वॉट ये आपको समझ में आ गया? एंड हाउ टू कन्वर्ट देम, हाउ टू वॉट कन्वर्ट देम, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि वॉट इज रेडियन, वॉट इज रेडियन। उसके लिए बेटा मैं फिर से यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं विद सेंटर ओ। ठीक है। यहां पर बेटा ये जो ओ ए है ये क्या बेटा? रेडियस ऑफ द सर्कल है, और उसे हम डिनोट करते हैं आर से ना। ठीक है। यहां पर बेटा ये जो ओ बी है बेटा ये भी तो रेडियस ही है, इसे भी हम डिनोट करेंगे आर से। किससे बेटा? आर से। और यहां पर बेटा ये बन गया आपका आर्क ए बी। क्या बन गया? ये आर्क ए बी। क्या बन गया? ये आर्क ए बी। ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी को बेटा हम डिनोट करते हैं एस से। किससे बेटा? एस से। और अगर ये लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क ए बी रेडियस इतना है, इफ इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द व्हाट? सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ 1 रेडियन। एंगल ऑफ व्हाट? 1 रेडियन। और 1 रेडियन को बेटा हम डिनोट करेंगे 1/c से। किससे बेटा? 1/c से। 1/c मींस व्हाट? एंगल ऑफ 1 रेडियन। तो ये होता है एंगल ऑफ 1 रेडियन। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, अगर इस आर्क का लेंथ रेडियस इतना है, अगर इस आर्क का लेंथ रेडियस इतना है, देन द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है एंगल ऑफ 1 रेडियन। एंगल ऑफ व्हाट? 1 रेडियन। एंड जस्ट कीप इन योर माइंड दैट रेडियंस आर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स, दे आर इक्विवेलेंट टू व्हाट? रियल नंबर्स। दैट्स व्हाई रेडियंस आर मोर प्रिसाइज कंपेयर्ड टू डिग्रीज, कंपेयर टू व्हाट? डिग्रीज। जो एंगल बेटा रेडियन में होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, ज्यादा करेक्ट होगा कंपेयर टू डिग्रीज, कंपेयर टू व्हाट? डिग्रीज। व्हाई? बिकॉज रेडियंस आर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स, रेडियंस आर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज रेडियन ये भी आपको समझ में आ गया। इसे हम डिफाइन करेंगे बेटा। देखो यहां पर
इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सेड टू बी ऑफ 1 रेडियन एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 रेस्ट टू सी इट इज डिनोटेड बाय 1 रेस्ट टू सी अंडरस्टूड बेटा ठीक है अब हम देखेंगे कि डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है या तो फिर रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है अब वो हम देखेंगे बेटा देखो यहां पर मैं यहां पर बेटा ये एरो ड्रॉ कर रहा हूं व्हाट डज दिस एरो इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स दैट कि हम डिग्री वाले एंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियंस में तो अगर आपको डिग्री वाले एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियंस में तो बेटा आपको डिग्री वाले एंगल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय पाई बाय 180 अगर आप डिग्री वाले एंगल को मल्टीप्लाई करते हो बाय पाई बाय 180 तो वो जो एंगल है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस डिग्री टू व्हाट रेडियंस ठीक है देखो व्हाट डज दिस एरो इंडिकेटिंग It is indicating that we want to convert angle from radian to degrees, na? तो अगर आपको angle radian से degree में convert करना है, तो आपको बेटा radian वाले angle को multiply करना पड़ेगा by 180 by pi. तो अगर आप radian वाले angle को multiply करते हो 180 by pi से, 180 by pi से तो वो जो एंगल है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज तो यहां पर बेटा हमने पढ़ लिया कि डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है या तो फिर रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है ठीक है तो बेटा यहां पर हमने क्या पढ़ा डिग्री पढ़ा मिनट पढ़ा सेकेंड पढ़ा रेडियन पढ़ा और उनके कन्वर्जेंस भी पढ़ लिए अंडरस्टूड बेटा यहां तक क्लियर है सभी का ओके चलो बेटा अब हम देख लेते हैं सम्स ठीक है बेटा सम्स देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के लिए आपको लर्न होनी चाहिए 9 वाला टेबल 12 वाला टेबल 18 वाला टेबल बाद में आ रहा है बेटा 36 वाला टेबल और लास्ट में आ रहा है बेटा 45 वाला टेबल अगर आपके ये टेबल्स लर्न है तो ये जो सम्स है बेटा इस चैप्टर की ये आपको बहुत ईजी जाएंगे ठीक है तो देखो बेटा पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसे है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस एंड द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज 120 डिग्री बेटा ये जो एंगल है ये डिग्री में है आपको इसे कन्वर्ट करना है रेडियंस में सो इन सॉल्यूशन 120 डिग्री इज इक्वल टू बेटा हमें पता है अगर आपको एंगल को डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस एंगल को बेटा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई बाई 180 से अगर हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं एंगल को तो वो एंगल डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो यहां पर बेटा ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 6 2 12 होता है एंड 6 3 होता है 18 तो यहां पर बेटा फाइनल आंसर आना चाहिए 2π/3 रेडियंस इट मींस दैट 120 डिग्री जो है वो होता है 2π/3 रेडियंस ठीक है नेक्स्ट सब क्वेश्चन 225 डिग्री सो इन सॉल्यूशन 225 डिग्री इज इक्वल टू बेटा 225 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पाई बाय 180 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस बेटा यहां पर यूज कर रहे हैं हम 45 वाला टेबल ठीक है 45 फाइव जा होता है 225 और 45 फोर जा होता है 180 तो यहां पर बेटा फाइनल आंसर आना चाहिए 5π/4 रेडियंस ठीक है थर्ड सब क्वेश्चन 945 डिग्री सो इन सॉल्यूशन हम क्या करेंगे बेटा 945 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से अगर हम 945 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई बाय 180 से तो ये एंगल डिग्री में से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा रेडियंस में फिर से यहां पर यूज करेंगे हम 45 वाला टेबल ठीक है टेल मी 45 टू जा 90 आएगा ना कितना बच रहा है बेटा 4 बच रहा है तो 45 वन जा 45 आ जाएगा यहां पर बेटा 45 फोर जा होता है 180 ठीक है तो यहां पर फाइनल आंसर आना चाहिए 21π/4 रेडियंस क्या आना चाहिए 21π/4 रेडियंस ठीक है ओके
नेक्स्ट सब क्वेश्चन बेटा, -600 डिग्री। सो -600 डिग्री इज इक्वल टू, बेटा माइनस साइन बाहर रख दो और 600 को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से। अगर आप 600 को मल्टीप्लाई कर रहे हो पाई बाई 180 से, तो वो जो एंगल है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। यहाँ पर बेटा ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बेटा 6 10s are 60 ना, एंड 6 3s are क्या होता है 18 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर बेटा फाइनल आंसर आपका आना चाहिए -10π/3 radians। इट मीन्स दैट -600 डिग्री जो है इट इज इक्विवेलेंट टू -10π/3 radians। ठीक है, देखो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज -1/5 degree। क्या आ रहा है, -1/5 degree आ रहा है। ठीक है, हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो देखो यहां पर ये माइनस साइन मैं यहां पर एज इट इज रख रहा हूं और 1/5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा पाई बाई 180 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। अब यहां पर बेटा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो यहां पर ये माइनस साइन एज इट इज, 1 × π is π एंड 5 × 180 जो है वो होता है बेटा 900। ठीक है, इट मीन्स दैट -1/5 degree इज इक्विवेलेंट टू -π/900 radians, π/900 radians, ये आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है बेटा -108 degree, इसे हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे, माइनस साइन एज इट इज रख दो और 108 को बेटा मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, वो एंगल कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। ठीक है, अब यहां पर यूज करेंगे हम 36 वाला टेबल। कौन सा टेबल बेटा, 36 वाला टेबल। ठीक है, जस्ट कीप इन योर माइंड दैट 36 थ्रीज जो है वो होता है 108 एंड 36 फाइव जो है वो होता है बेटा 180। तो यहां पर फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, ये माइनस साइन यहां पर आएगा बेटा 3π ऊपर, नीचे आएगा बेटा 5 ना, तो यहां पर आंसर आ गया -3π/5 radians एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन बेटा -144 degree। ठीक है, इसे हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को एज इट इज रख देंगे और 144 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय पाई बाय 180 ना। ठीक है, ये जो एंगल है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस। ओके, यहां पर भी बेटा हम यूज करेंगे 36 वाला टेबल। कौन सा, 36 वाला टेबल बेटा, 36 4s होता है 144 एंड 36 5s जो है वो होता है 180। तो यहां पर फाइनल आंसर क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए -4π/5 radians। अंडरस्टूड, ठीक है। देखो नेक्स्ट सब क्वेश्चन बेटा 85 degree, कितना है 85 degree। ठीक है, देखो इसे हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय पाई बाय 180, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस। ठीक है, देखो बेटा यहां पर यूज करेंगे हम बेटा 5 वाला टेबल। ठीक है, टेल मी 5 1s are 5 एंड 5 7s are 35 ना, नीचे बेटा यहां पर 5 3s are 15, बचते कितने बेटा 3 बचते हैं एंड 5 6s are क्या आएगा बेटा 30 आ जाएगा, बराबर है। तो यहां पर आना चाहिए बेटा 17π/36 radians। इट मींस दैट 85 डिग्री जो है वो होता है इक्विवेलेंट टू 17π/36 radians एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन 250 डिग्री। नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है बेटा, 250 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसे रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय पाई बाय 180 ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन रेडियंस। बेटा यहां पर ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 25π/18 आना चाहिए। ठीक है, इट मींस दैट 250 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 25π/18 radians, 25π/18 radians एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन बेटा -132 degree। ठीक है, देखो यहां पर हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, माइनस साइन एज इट इज, 132 को बेटा मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से, ये एंगल कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम डिग्री टू
रेडियंस, ठीक है। यहां पर बेटा आप कैंसिलेशन करोगे एंड आफ्टर कैंसिलेशन बेटा आपको आंसर मिल जाएगा माइनस 11 पाई बाई 15 रेडियंस। कैंसिलेशन कैसे किया बेटा आपने, 12 का टेबल यूज किया, यहां पर कौन सा 12 का, देखो 12 वन जा 12 बचता कितना बेटा 1 बचता है, अगेन 12 वन जा 12, यहां पर बेटा 12 वन जा 12 बचता कितना है 6 बचता है, यानी 12 5 जा क्या आएगा बेटा 60 आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 11 पाई नीचे आ जाएगा 15, सो इट इज माइनस 11 पाई बाई 15 रेडियंस, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 65 डिग्री 30 मिनट्स, इसे हमने कन्वर्ट करना है इन रेडियंस। पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसे डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, पूरे एंगल को बेटा हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, बाद में उस एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो बेटा यहां पर इन सॉल्यूशन 65 डिग्री 30 मिनट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 65 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, ये 65 डिग्री यहां पर एज इट इज, और बेटा इस 30 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो टेल मी मिनट वाले एंगल को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसे आपने डिवाइड करना पड़ता है बाय 60। जब हम मिनट वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हमने डिवाइड करना होता है 60 से, तो यहां पर अगर हम 30 को 60 से डिवाइड करते हैं तो ये जो एंगल है बेटा 30 मिनट्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में, ठीक है। देखो ये 65 डिग्री यहां पर एज इट इज प्लस यहां पर आ जाएगा बेटा 1/2 डिग्री ना, कितना आएगा 1/2 डिग्री। अब बेटा इस 65 डिग्री को हमें इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा बेटा 65 इंटू 2 इज 130 डिग्री प्लस ये वाला 1 डिग्री अपॉन नीचे क्या आएगा 2 आ जाएगा, एंड टेल मी 130 प्लस 1 कितना आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 131 डिग्री अपॉन नीचे क्या है बेटा 2 है, तो बेटा ये आ गया आपका एंगल डिग्रीज में। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस, टेल मी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उस एंगल को बेटा हमने मल्टीप्लाई करना होता है बाय पाई बाय 180 ना, बाय पाई बाय 180, तो यहां पर बेटा ऊपर आ जाएगा 131 पाई और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 180 इज 360, तो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर बेटा। इस एंगल को हमने क्या किया, रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया, पहले उस एंगल को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया और बाद में उस डिग्री वाले एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सब क्वेश्चन बेटा 75 डिग्री 30 मिनट्स, इसे हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में, सो 75 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 75 डिग्री प्लस 30 मिनट्स ना, ठीक है, ये 75 डिग्री यहां पर एज इट इज प्लस इस 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्रीज में, तो मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए बेटा उसे हमने डिवाइड करना होता है 60 से, तो अगर इस 30 डिग्री को मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो ये 30 मिनट जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे डिग्रीज में, तो यहां पर आएगा बेटा ये 75 डिग्री प्लस यहां पर आना चाहिए 1/2 डिग्री। अब बेटा इस 75 डिग्री को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 से ना, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 150 डिग्री प्लस ये वाला 1 डिग्री अपॉन नीचे आएगा 2, तो यहां पर आ जाएगा 151 डिग्री अपॉन 2 ना, ये मिल गया हमें डिग्री वाला एंगल। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इस एंगल को मींस 151 अपॉन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन रेडियंस, यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहां पर आना चाहिए 151 पाई अपॉन 2 इंटू 180 इज 360 रेडियंस, and this is what your final answer, ठीक है। Next sub question देख लेते बेटा, देखो यहाँ पर 40 degree 48 minutes, 40 degree 48 minutes, ठीक है, तो देखो यहाँ पर 40 degree 48 minutes को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 40 degree plus 48 minutes, ये 40 degree बेटा यहाँ पर as it is 48 minutes को मैं convert कर रहा हूँ degrees में, तो उसे मैं 60 से divide करूँगा, ठीक है, ये 40 डिग्री यहां पर एज इट इज प्लस यहां पर बेटा 12 4 जा 48 आएगा ना, एंड 12 5 जा 60 आ जाएगा, तो यहां पर आएगा 4/5 डिग्री। अब बेटा इस 40 डिग्री को मुझे इस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो टेल मी 5 इंटू 40 डिग्री कितना आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 200 डिग्री प्लस ये वाला 4 डिग्री अपॉन नीचे आएगा 5,
टेल मी 200 प्लस 4 कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए बेटा 204 डिग्री अपॉन 5। ये मिल गया आपको डिग्री वाला एंगल। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस, ठीक है? तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय पाई बाय 180। बाय व्हाट? पाई बाय 180, ठीक है? देखो यहां पर बेटा, यहां पर क्या करेंगे हम, 12 वाला टेबल यूज करेंगे। कौन सा बेटा? 12 वाला, ठीक है? टेल मी 12 वन जा 12, बचते कितने बेटा? 8। 12 सेवन जा 84 ना, ठीक है? यहां पर बेटा 12 वन जा 12, 6 बचते हैं, तो यहां पर 60 बन जाएगा। सो 12 फाइव जा 60 ना, तो ऊपर आएगा बेटा 17 पाई। देखो यहां पर नीचे 15 इंटू 5 क्या आना चाहिए? 75 आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ गया? 17 पाई बाय 75 रेडियंस। ये आ गया बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। अंडरस्टूड, ठीक है? अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। पहला सब क्वेश्चन है बेटा 5 पाई बाय 12 रेडियंस। ये एंगल बेटा रेडियंस में है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है इन डिग्रीज, ठीक है? देखो यहां पर 5 पाई बाय 12 रेडियंस इज इक्वल टू, बेटा अगर आपको एंगल को रेडियंस में से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस एंगल को बेटा आपको मल्टीप्लाई करना होता है बाय 180 बाय पाई से ना। अगर हम एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 180 बाय पाई, तो वो जो एंगल है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। रेडियंस टू डिग्रीज, ठीक है? देखो यहां पर, यहां पर बेटा ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 12 वन जा एंड 12 15 जा होता है 180। एंड टेल मी 5 इंटू 15 कितना आना चाहिए? वो 75 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? 75। इट मींस दैट 5 पाई बाई 12 रेडियंस जो है वो होता है 75 डिग्री। कितना होता है बेटा? 75 डिग्री होता है। कैसे कन्वर्ट किया, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अगर एंगल को आपको कन्वर्ट करना है रेडियंस से डिग्री में, तो उस एंगल को बेटा हमने मल्टीप्लाई करना होता है बाय 180 बाय पाई। किसी भी एंगल को अगर हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एंगल बेटा रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखो यहां पर, वो है माइनस 7 पाई बाय 12 रेडियंस, ठीक है? सो इन सॉल्यूशन माइनस 7 पाई बाय 12 रेडियंस इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बेटा एज इट इज रख दो। अब इस 7 पाई बाय 12 को मल्टीप्लाई करो बेटा 180 बाय पाई से, तो ये जो एंगल है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज ना, फ्रॉम रेडियंस टू व्हाट? डिग्रीज, ठीक है? यहां पर बेटा कैंसिलेशन करेंगे, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। 12 वन जा एंड 12 15 जा 180 होता है, ये आपको पता है। एंड टेल मी 7 इंटू 15 क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए 105। ये माइनस साइन यहां पर एज इट इज, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया बेटा? वो आ गया माइनस 7 पाई बाय 12 रेडियंस इज इक्विवेलेंट टू माइनस 105 डिग्री। माइनस 105 डिग्री कैसे कन्वर्ट किया, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 8 रेडियंस। इसे हमने कन्वर्ट करना है इन डिग्रीज, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 180 बाय पाई से ना, यहां पर कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा। टेल मी 8 इनटू 180 कितना आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए 1440। कितना आना चाहिए? 1440 अपॉन नीचे वाला पाई एज इट इज डिग्रीज। इट मींस दैट 8 रेडियंस इज इक्वल टू 1440 अपॉन पाई डिग्री मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1440 अपॉन पाई डिग्री मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट सब क्वेश्चन बेटा 1 बाई 3 रेडियंस। ये एंगल रेडियन में है, कन्वर्ट करना है डिग्री में। कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? 1 बाई 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से, बराबर है, ठीक है? टेल मी यहां पर क्या होना चाहिए बेटा? क्या यहां पर 3 वन जा एंड 360 जा 180 आ जाएगा। तो यहां पर आएगा बेटा 60 अपॉन पाई डिग्री। 60 अपॉन पाई डिग्री, इट मींस दैट 1 बाई 3 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 60 अपॉन पाई डिग्री। 60 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है? चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज
5π/7 रेडियंस, 5π/7 रेडियंस, इसे आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में। कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? 5π/7 को मल्टीप्लाई करोगे 180π से। यहाँ पर बेटा पाई पाई विल गेट कैंसिल, ठीक है। 5 × 180 होता है 900, डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा बेटा 7, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में डेसिमल में दिया हुआ बेटा, तो आप डेसिमल भी आंसर निकाल पाओगे ना। टेल मी, 900 डिवाइड बाय 7 करोगे आप, तो आपको मिल जाएगा 128.57। कितना मिल जाएगा? 128.57। ये आप कर पाओगे बेटा वेरी इजीली। तो आपको बेटा ये फाइनल आंसर आ गया। अगर ऑप्शन में ये है तो ये आपका फाइनल आंसर है, अगर ऑप्शन में बेटा ये है तो ये आपका फाइनल आंसर है। जब आप थियरी में आंसर लिखोगे बेटा, तो यहां तक भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और जब एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएगा बेटा, तो आपको अगर एमसीक्यू में ऑप्शन में ये है बेटा, तो आपको यहां तक आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज -2π/9 रेडियंस, ठीक है। देखो -2π/9 रेडियंस इज इक्वल टू, माइनस साइन को एज इट इज रख दो और 2π/9 को बेटा मल्टीप्लाई करो 180π से ना। यहां पर बेटा ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बेटा 9 1s and 9 2s are 18 होता है, ये जीरो यहां पर एज इट इज। टेल मी 2 × 20 क्या आएगा बेटा? वो आ जाएगा 40 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या आया बेटा? वो आ गया -2π/9 रेडियंस इज इक्वल टू -40 डिग्री। क्या आ गया? -40 डिग्री आ गया। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। -7π/24 रेडियंस, इसे आपने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो हम क्या करेंगे बेटा? माइनस साइन एज इट इज रख देंगे और 7π/24 को मल्टीप्लाई करेंगे 180π से ना। तो ये जो एंगल है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज ना, फ्रॉम रेडियंस टू व्हाट? डिग्रीज, ठीक है। यहां पर बेटा हम 12 से कैंसिलेशन करेंगे। टेल मी 12 2s are 24 एंड 12 15s are क्या होता है? 150 होता है। टेल मी 15 × 7 क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए 105। नीचे बेटा 2 आ जाएगा, ये पाई पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला बेटा? फाइनल आंसर आपको मिल गया -105/2 डिग्री। और अगर आंसर डेसिमल में है तो 105 को 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा बेटा -52.5 डिग्री। सो दीज आर व्हाट योर फाइनल आंसर्स। ये क्या बेटा? आपके फाइनल आंसर्स है। अंडरस्टूड, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते बेटा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब आपको बेटा एंगल्स को डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला सब क्वेश्चन है बेटा आपका 321.9 डिग्री, 321.9 डिग्री, ठीक है। देखो 321.9 डिग्री को बेटा हम ऐसे लिख पाएंगे ना, 321 डिग्री + 0.9 डिग्री। मैंने क्या किया बेटा, जो डेसिमल पार्ट है और जो इंटीजर पार्ट है उनको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है, ओके। अब बेटा ये जो इंटीजर पार्ट है वो हम एज इट इज रखेंगे 221 डिग्री, और ये जो डेसिमल पार्ट है बेटा इसे हम कन्वर्ट करेंगे इन मिनट्स। इन व्हाट? मिनट्स। टेल मी डिग्री वाले एंगल को अगर आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो उस एंगल को आपको मल्टीप्लाई करना होता है बाय 60। तो अगर हम इस 0.9 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 60, ये जो एंगल है बेटा 0.9, ये डिग्री में से कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में। इसमें बेटा मिनट्स में, ठीक है। ये 321 डिग्री एज इट इज प्लस, टेल मी 0.9 × 60 कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 54। तो यहां पर मिल गया बेटा 54 मिनट्स। इट मींस दैट 321.9 डिग्री जो है वो आपको मिल गया 321 डिग्री 54 मिनट्स। एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा? आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 200.6 डिग्री, इसे आपने कन्वर्ट करना है इन डिग्रीज, इन मिनट्स एंड इन सेकेंड्स, ठीक है। तो देखो यहां पर 200.6 डिग्री इज इक्वल टू, बेटा इसे हम ऐसे लिख पाएंगे ना,
200 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। मैंने क्या किया, इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट सेपरेट कर दिया, ठीक है। इंटीजर पार्ट को हम एज इट इज लिख देंगे 200 डिग्री, और जो डेसिमल पार्ट है बेटा उसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम डिग्री टू मिनट्स। कैसे करेंगे बेटा, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 60। तो देखो यहाँ पर 0.6 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 60, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम डिग्री टू मिनट्स, ठीक है। ये 200 डिग्री एज इट इज प्लस, टेल मी 0.6 इंटू 60, क्या वो 36 आना चाहिए? तो यहां पर आपको मिल जाएगा 36 मिनट्स। इट मींस दैट 200.6 डिग्री इज इक्वल टू 200 डिग्री 36 मिनट्स, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा, वो है आपका 183.7 डिग्री, 183.7 डिग्री, ठीक है। सो 183.7 डिग्री को बेटा हम 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री ऐसे लिख पाएंगे ना, इंटीजर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट सेपरेट कर दो, ठीक है। देखो ये इंटीजर पार्ट एज इट इज 183 डिग्री, प्लस ये जो डेसिमल पार्ट है बेटा इसे कन्वर्ट कर दो मिनट्स में। कैसे करोगे, उसे मल्टीप्लाई करो बाय 60 से, बराबर है। सो ये 183 डिग्री एज इट इज प्लस, टेल मी 0.7 इंटू 60 कितना आना चाहिए बेटा, 42 मिनट्स आना चाहिए, ठीक है। इट मींस दैट 183.7 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 183 डिग्री 42 मिनट्स, 183 डिग्री 42 मिनट्स, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 245.33 डिग्री, 245.33 डिग्री, ठीक है। सो इन सॉल्यूशन 245.33 डिग्री इज इक्वल टू, इसे बेटा हम ऐसे लिख पाएंगे ना, 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। मैंने क्या किया, इंटीजर पार्ट डेसिमल पार्ट सेपरेट कर दिया, ठीक है। इंटीजर पार्ट एज इट इज लिख देंगे हम 245 डिग्री, और ये जो डेसिमल पार्ट है बेटा इसे हम कन्वर्ट करेंगे इन मिनट्स। कैसे करोगे, उसे मल्टीप्लाई कर दो बाय 60 से, ठीक है। देखो यहां पर, सो ये 245 डिग्री प्लस, यहां पर बेटा ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये आ जाएगा आपका 19.8 मिनट्स, 19.8 मिनट्स, ठीक है। सो ये 245 डिग्री यहां पर एज इट इज प्लस, बेटा इसे हम ऐसे स्प्लिट कर पाएंगे ना, 19 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट्स, 19 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट्स। यहां पर क्या किया मैंने बेटा, इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट फिर से सेपरेट कर दिया, ठीक है। सो ये 245 डिग्री प्लस ये 19 डिग्री एज इट इज, और ये जो डेसिमल पार्ट है बेटा इसे अब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम मिनट्स टू सेकेंड्स। तो बोलो किसी भी एंगल को मिनट्स में से सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, उस एंगल को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 60 ना। तो देखो 0.8 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 60, तो ये जो 0.8 है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम मिनट्स टू सेकेंड्स, मिनट्स टू और सेकेंड्स, ठीक है। डेसिमल पार्ट को बेटा हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम डिग्री टू मिनट्स, मिनट्स टू सेकेंड्स, बराबर है। सो ये 245 डिग्री प्लस ये 19 मिनट्स प्लस, टेल मी 0.8 इंटू 60 कितना आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 48, तो यहां पर मिल जाएगा मुझे 48 सेकेंड्स, 48 सेकेंड्स। इट मींस दैट 245.33 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 245 डिग्री 19 मिनट्स 48 सेकेंड्स, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से बेटा ये सम्स आपने सॉल्व करने बेटा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।